हाय फ्रेंड, वेलकम टू vidya.in। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन कोर्स को लेके आते रहते हैं कि सर ये कोर्स किस तरह का कोर्स है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, करियर कैसा रहेगा इस पर्टिकुलर कोर्स को करके, टॉप कॉलेजेस कैसे हैं, एडमिशन कैसे लें। तो आज की वीडियो में हम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में सभी कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। तो सबसे पहले हम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। बेसिकली डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स को वेट एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली हेल्थ डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं। ये बेसिकली मेडिकली एंड प्रोफेशनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में और वेट मैनेजमेंट में सबकी हेल्प करते हैं। बेसिकली दे आर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु नो हाउ टू इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ कंडीशंस वेल बींग बाय फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के थ्रू किस तरह से ह्यूमन के लाइफस्टाइल को और बेटर करना है, उनके वेट को कैसे मैनेज करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो करना है, ये सभी हमें न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सिखाते हैं और हमारी उसमें हेल्प करते हैं। अगर हम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो डाइटिशियन बेसिकली ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे फूड एंड न्यूट्रिशन का किस तरह से इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं और लोगों की डाइट को बैलेंस करने में और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जबकि न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और किस तरह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं इसके लिए आपको गाइड करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक डाइटिशियन तो न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं बट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं हो सकते, क्योंकि डाइटिशियन बनने के लिए आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना होता है, इसके लिए आपको एक एग्जाम पास करना होता है जिसको हम RD एग्जाम कहते हैं। इस एग्जाम को दे के आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं और ये एग्जाम इंडियन डाइटिक एसोसिएशन द्वारा साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। RD एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो कि डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन कोर्स में ही होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपने कम से कम 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी करी होनी चाहिए, तभी आप RD एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप RD एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि RD एग्जाम को लेके डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेके आए। अगर हम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट के कुछ पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो आप BSc डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं या फिर आप BSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज काफी पॉपुलर हैं। 3 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं जिसको आप 12 साइंस सब्जेक्ट से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन भी मिल जाता है। फीस लगभग 50,000 से लेके 2 लाख तक हो सकती है। फीस कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। अगर आप चाहें तो BSc करने के बाद या तो आप RD एग्जाम दे सकते हैं या फिर MSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी कर सकते हैं। ये 2 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, MSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी कर सकते हैं। दोनों ही 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिनमें एडमिशन आपको ग्रेजुएशन में 50% अब मार्क्स होने पर मिल जाता है। और यहां अगर आप MSc इन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन कर लेते हैं तो लगभग 3 to 10 लाख पर एनम की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सैलरी प्राइमरीली आपकी डिपेंड करती है कि आपने इंटर्नशिप कहां करी है, आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो जितनी अच्छी आप इंटर्नशिप करेंगे उतनी ही अच्छी आपको प्लेसमेंट मिलेगा, उतनी ही अच्छी आपको आगे चल के सैलरी मिलती है। अगर हम MSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की फीस की बात करें तो लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख पर एनम तक की आपकी फीस हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कोर सब्जेक्ट्स की जो कि आपको डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। आपको फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फैमिली मील एंड डाइट प्लानिंग, उसके साथ साथ फूड क्वालिटी एनालिसिस, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ फूड इंडस्ट्री मैनेजमेंट, डाइट एंड पेशेंट काउंसलिंग, न्यूट्रिशनिस्ट इथिक्स, इंट्रोडक्शन टू डाइटिक्स, साइंस ऑफ बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस की कि BSc या फिर MSc करके आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं तो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप क्लिनिक्स में ट्राई कर सकते हैं, योगा सेंटर्स में, हेल्थ क्लब्स में, फिटनेस
सेंटर्स में, फार्मा इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अच्छा सा एक्सपीरियंस, जब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो आपका अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, या फिर आप वन टू वन बेसिस पे पेशेंट्स को काउंसलिंग भी दे सकते हैं। अगर हम कुछ पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो आप स्पोर्ट्स डाइटिशियन, पीडियाट्रिक डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूनेटल डाइटिशियन, कंसल्टेंट डाइटिशियन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जैसी प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप फूड सर्विस डाइटिशियन, एनिमल डाइट न्यूट्रिशनिस्ट, रिसर्च डाइटिशियन जैसी प्रोफाइल्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं जो कि आप आरडी एग्जाम देके बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की जहां से आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन कोर्स कर सकते हैं। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जीबी पंत, जामिया हमदर्द, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जिपमर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज से इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर वीडियो में कमेंट करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।